जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज भी हमें साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। साइलेंट प्रोटेस्ट जो है जेके एसएसबी के एसआई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। आइए जाने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये एस्पिरेंट्स। कुणाल, क्या कारण आपका आज साइलेंट प्रोटेस्ट का? सर, साइलेंट प्रोटेस्ट करने का हमारा एक ही मोटिव है कि जो हम देख रहे हैं मीडिया के थ्रू और जो बाकी कॉमन मासेस के अंदर जो एक नैरेटिव सेट हो गया है कि जो ये जेके पीएसआई की रिक्रूटमेंट हुई है उसमें उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि जेके एसआई स्कैम हो रखा है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, इंक्वायरी रिपोर्ट अंडर कंसिडरेशन है, वो हमारे एलजी साहब ने जो बनाई है वो चल रही है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता किस वजह से ये चीज़ें मार्केट में इतनी हो गई है कि हमारा सोसाइटी से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम अगर किसी को बताते हैं कि हमने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो उनका कहना है कि आपने स्कैम किया है। तो इसलिए हम आज आप ही के माध्यम से, क्योंकि ये चीज़ भी मीडिया से ही आई है और इसलिए हम आज भी मीडिया में आए हैं, क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ लोगों तक पहुँचाएँ कि हम जो है हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, हम अपनी मेहनत से आए हैं, हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर कहीं ना कहीं चिंगारी होगी धुआं तभी हमें नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सर देखिए, अगर कुछ ना कुछ हुआ है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, सब अपना काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े हमारे पास एजेंसीज़ हैं। सर मेरे को पूरा यकीन है एजेंसीज़ पर, वो इस चीज़ को अगर कुछ है वो फाइंड आउट करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे कि उसको ठीक किया जा सके। लेकिन देखिए, अगर बार बार इसको स्क्रैप कर दिया जाए, अगर कल को बोलते हैं कोई और एग्जाम स्क्रैप, तो इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन टू। आपकी डिमांड क्या है एलजी साहब? डिमांड एलजी साहब से सिर्फ यही है कि आप जल्दी से जल्दी हमारा पीटी का साथ में साइमल्टेनियसली चलाएं हमारी पीटी, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, हमने एग्ज़ाम दिया उसको आप फुल ट्रू प्रोसेस में करें, क्योंकि ऑलरेडी एक साल हो चुका है, अब ये आगे कितना लिंगर ऑन होगा, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा ही हो और इंक्वायरी जो चल रही है वो चलती रहे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नाम क्या है? सर केडी सिंह। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या कारण है इसका मुख्य? सर इसका एक ही रीज़न है कि हमारे मतलब लास्ट टाइम पे बोला गया था कि अगर इसमें कुछ पाया जाता है, अभी तो कुछ है नहीं, सिर्फ एलिगेशंस लग रही हैं इस रिक्रूटमेंट पे, लेकिन इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है कि हाँ कुछ ऐसा है तो उसे निकाला जाए, ठीक है। बट एक नैरेटिव चलाया जा रहा है पूरे मतलब सोशल मीडिया पे, या मतलब जम्मू के हर एक लोगों के कानों में ये चीज़ है कि पेपर स्क्रैप कर दिया जाए, री एग्ज़ाम। बट मुझे नहीं लगता कि री एग्ज़ाम एक ऑप्शन है इस चीज़ को ठीक करने का। आप नहीं चाहते कि री एग्ज़ाम होना चाहिए? सर री एग्ज़ाम होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने पिछले 6-7 साल से पढ़ के बैठ के पढ़ाइयाँ करी हैं, ठीक है। अगर हम री एग्ज़ाम फिर से बोलेंगे वो आगे 5-6 महीने और आगे चला जाएगा, हमारा आगे भी टाइम वेस्ट होगा उन चीज़ों में, और आने वाले रिक्रूटमेंट में भी ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है, मतलब ये चीज़ें लेट होती हैं। जो ये प्रोसेस चल रहा है इसका अल्टरनेट क्या है, किस तरह से जो है जस्टिस दिलाया जा सकता है? सर इसका एक ही इस प्रोसेस से मतलब एक ही इसका अल्टरनेट निकल सकता है, वो है कि अभी तो एलिगेशन है, अगर ये कुछ प्रूफ होता भी है इन फ्यूचर, ठीक है, अगर इसके लिए कमेटी हमारी बैठी, हम कमेटी पे पूरा भरोसा करते हैं, जो कमेटी करेगी बिल्कुल सही करेगी, अगर कुछ ऐसी निकलते भी हैं, कुछ ऐसे ब्लैक शीप निकलती भी हैं, तो उन्हें उस लिस्ट से निकाल के उस लिस्ट को ही अपग्रेड किया जाए कि जो मतलब कि जिनके नाम हैं उनको निकाला जाए, मतलब जिनका अगर स्कैम में आते हैं तो, क्योंकि अभी तो एलिगेशन है, अगर कुछ ऐसा आता है तो उनको निकाला जाए, ना कि पूरी की पूरी लिस्ट क्रैप करके पूरे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जाए। मीडिया ने भी एक पक्ष दिखाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तंजोर सिंह। आप लोग आज फिर से साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? हमें यही मेन हमारी यही प्रॉब्लम है कि जैसे अगर मतलब जो बच्चे पास होके आए हैं अपनी मेहनत से आगे आए हैं उनकी एटलीस्ट पीटी तो करवा दो, क्योंकि हमें ऑलरेडी 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं भागते हुए दौड़ लगाते हुए, सुबह शाम हम दौड़ रहे हैं, सारे बच्चे जितने भी हैं यहाँ मेरिटोरियस हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी पीटी ऑन टाइम हो जाए, ठीक है। अगर उन्हें प्रोप करना तो वो करते रहें, साइमल्टेनियसली प्रोप करते रहें, क्योंकि आपको भी पता जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हैं आजकल हमारी वो कितनी कितनी देर के बाद आती हैं, कुछ बच्चे उसकी वजह से ओवरेज हो रहे हैं, कुछ बच्चों कुछ कईयों की शादी हो चुकी है, कईयों की शादी होने वाली है, यू नो। तो मेरा बस यही कहना है कि आप जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका पीटी करवा दो और प्रोब आप कंटिन्यू रखो, कल को अगर प्रोब में कोई पकड़ा जाता है तो ठीक है उसको बाहर निकाल दो। इवन हम तो मतलब ये लिख के देने को भी तैयार हैं, ठीक है यार हमें अगर कल को हम पकड़े जाते तो हमें बाहर निकाल दो, क्योंकि हमें पता हम अपनी मेहनत से आए हैं, हमने ये 6 महीने नहीं साल नहीं कई सालों की मेहनत है हमारी, सिर्फ ये पेपर क्लियर नहीं किया, कई पेपर क्लियर किए हैं हमने, तो यही हमारी मेन डिमांड है कि हमारा पीटी करवा दो सो दैट हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, और आप ही बताओ ना हम कितनी देर तक भागते रहे हैं। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं एलजी साहब से? सर यही कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो सफ़र नहीं करना चाहिए, जो हार्ड वर्क करके आए हैं उनको नहीं सफ़र करना चाहिए। देखो
अगर कोई गलती हुई है किसी के एंड से भी हुई है उसकी वजह से हम जो हैं जो जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया है वो क्यों सफ़र करें। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर फॉर्म्स निकलते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ क्वालिफाई होते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है रिजेक्शन की तरफ जो है उन्हें देखना पड़ता है, या तो लिस्ट कैंसिल हो जाती है या फिर उन्हें सफ़र करना पड़ता है किसी ना किसी वजह से। और JKSSB के SI जो एस्पिरेंट्स हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं उन पर इस समय जो है वो गाज कर रही है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि उनका क्या कसूर है, जो भी प्रोसेस यहाँ पर हुआ है, जो भी दांधे यहाँ पर हुए हैं वो जाँच का विषय है, जो जाँच जो है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं, लेकिन बात सफर की है। ये स्टूडेंट्स, ये एस्पिरेंट्स जो हैं, इनका ये कहना है कि इनका क्या कसूर है, ये क्यों सफर हो, गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट अपना प्रोसेस करे और इनका जो हक है वो इनको दिया जाए, इनके साथ जस्टिस किया जाए। इसके साथ करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।